अपडेट पढ़ क्योंकि अभी समझ। वो हाँ खबर अभी अभी फोकस ताजा में है है। तो असीम समझ लिया जाए। असीम माजरा क्या है, क्यों भारतीय एयरटेल फोकस में आज? देखिए, भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडरी कंपनी है भारतीय हेक्साकॉम, ये राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल के अंदर सर्विसेज देती है। 2002 में जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था तो तब कंपनी ने सरकार से इसको खरीदा था, तब 70% की हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन 30% की हिस्सेदारी अभी भी सरकार के पास है। अब सरकार इसको काफी समय से एक्सप्लोर कर रही थी कि इसका वैल्यूएशन करके एग्जिट किया जाए, वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब फाइनली उसको एग्जिट रूट सरकार को एक मिलने वाला है। कंपनी ने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टिस सेबी के अंदर फाइल किया, कंपनी जो सरकार की हिस्सेदारी है 30% का, उसका आईपीओ लेकर के आ रही है। ये ऑफर्स रूट के थ्रू होगा, तो सरकार इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकती है, पूरा एग्जिट कर सकती है, या थोड़ा सा कम हिस्सेदारी बेच करके एग्जिट कर सकती है। तो करीबन करीबन कंपनी का वैल्यूएशन जानकारी बता रही है कि 20,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। तो ये मार्केट में सरकार कंपनी इसको ऑफलोड करना चाहती है और उसके बाद उसके एवज में सरकार यहाँ से एग्जिट करेगी और सारी की सारी हिस्सेदारी बाकी जो बचेगी वो मार्केट के अंदर आ जाएगी। ये कंपनी का प्लान है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसको क्लोज कर दिया जाए। अब कंपनी ने इसके लिए आईपीओ ऑलरेडी फाइल आज कर दिया। शिल्पाजी का पिक नहीं, शिल्पा नहीं किसी, हाँ नहीं शिल्पाजी नहीं बात की थी मेरे ख्याल में इस पे। किसका आइडिया था? भारती 1150 का कॉल, 32 का कॉल, एक बार दिखाई दो हुआ था सस्ता ऑप्शन में हमने फरवरी का कॉल ले रखा है भाई। वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी लीजिए भाई, डीआरएचपी फाइल करते हुए, इसीलिए भारतीय एयरटेल रडार पे पिक के तौर पे वो कॉल तो हम राइट कर ही रहे हैं, इसीलिए आप इसको रिविजिट करने की जरूरत है नहीं। सुमित के पास असीम, थैंक यू सो मच। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।